हेलो एवरीवन, दिस इज अनमोल सचदेवा। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज वेरी सिंपल टॉपिक और आपके एग्जाम में आना ही आना है। सो द टॉपिक इज लेटर। तो जो लेटर है बेसिकली दो टाइप्स के होते हैं, वन इज फॉर्मल एंड अदर इज इनफॉर्मल। तो जो फॉर्मल लेटर है वो आप प्रिंसिपल को भेजते हैं, अथॉरिटी को भेजे जाते हैं, एंड जो न्यूज़पेपर एजेंसी या अथॉरिटीज को भेजे जाते हैं दैट इज ऑल्सो द फॉर्मल लेटर। एंड जो इनफॉर्मल लेटर होते हैं दैट विल बी सेंड टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, तो इनको भेजे जाते हैं। अब बात करते हैं फॉर्मल लेटर की। तो फॉर्मल लेटर का जो है पैटर्न डिस्कस करने जा रहे हैं हम। तो स्टार्टिंग में सबसे पहले आएगा सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर्स एड्रेस ज्यादा लंबा नहीं, दो तीन लाइंस के अंदर आपका खत्म हो जाता है। लाइक जैसे हाउस नंबर आ गया, देन सेक्टर, एंड नेक्स्ट लाइन के अंदर आप डाल सकते हैं सिटी, टाउन, शहर का नाम। सो उसके बाद जो चीज आपने ध्यान रखनी है दैट आपने एक लाइन का गैप देना है, एक लाइन आपने छोड़नी है। देन उसके बाद जो आपने लिखनी है दैट इज डेट। तो जो डेट का भी एक फॉर्मेट होता है, एक पैटर्न होता है, लाइक 11th May 2020। तो 11th मई लिखना है आपने, 11/5 नहीं लिखना। तो ये आपने बात ध्यान में रखनी है। एक अच्छा फॉर्मेट हो तो प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है। नेक्स्ट इज आपने फिर से एक लाइन छोड़नी है। तो अब बात करते हैं रिसीवर्स एड्रेस की। रिसीवर्स एड्रेस भी आपका दो तीन लाइन का होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे डेजिग्नेशन। लेटर लिख रहे हैं हम न्यूज़पेपर को, तो डेजिग्नेशन आएगी द एडिटर। देन बात करेंगे हम डिपार्टमेंट के अंदर, तो डिपार्टमेंट जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर को भेज रहे हैं तो डिपार्टमेंट आएगा द हिंदू, लाइक द ट्रिब्यून, द हिंदुस्तान टाइम्स, ऐसे। फिर बात करेंगे हम शहर के बारे में, देन दिल्ली आपने जो है शहर लिख दिया। इसके बाद आपने एक और जो लाइन है वो छोड़नी है। तो CBSE ने कुछ टाइम पहले एक पैटर्न में चेंज किया है, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो लाइन छोड़ने के बाद आपने लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन मीन्स दैट इज आपने रिस्पेक्ट दे दी डियर सर। तो जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आएगा डियर सर के बाद। तो सब्जेक्ट भी आपने 5-6 वर्ड्स का लिख देना है। सो अब तक के जो मैटर के अंदर जो सारा मैटर है आपको वो मिल जाएगा आपके क्वेश्चन के अंदर ही। लाइक क्वेश्चन दे रखा है आपको, तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ दिस न्यूज़पेपर, तो यहाँ तक का आपका जो हेल्प कर देगा वो आपका क्वेश्चन ही कर देगा। तो उसमें जो मैटर डिस्कस किया होगा, मैटर लिखा होगा, तो उसके बारे में भी आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा और वो आप सब्जेक्ट उसको लगा सकते हैं एज इट इज़। सो अब बात करते हैं हम मेन बॉडी की। तो मेन बॉडी में आप जो है लिखेंगे, आप एक दो स्टेंजा के अंदर लिख सकते हैं। तो स्टेंजा की स्टार्टिंग कैसे होगी? स्टार्टिंग में हमने जो लिखना है वो आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, उसे रट लीजिए, समझ लीजिए, जैसे आपको ठीक लगे। बट हर लेटर टू एडिटर के अंदर आपने यही लाइनें लिखनी है स्टार्टिंग के अंदर। सो फर्स्ट जो लाइन है स्टार्ट हम कैसे करेंगे, दैट इज थ्रो द कॉलम ऑफ द एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टूवर्ड्स डैश द इशू। तो आपने क्या लिखना है दैट मैं आपके एस्टीम न्यूज़पेपर से जो कंसर्न अथॉरिटी है उसका ध्यान मैं इस मुद्दे पर, इस प्रॉब्लम पर लाना चाहती हूँ। तो ये आपकी हो जाएगी स्टार्टिंग। उसके बाद आपने प्रॉब्लम को डिस्कस कर देना है, इंट्रोडक्शन दे देनी है, लाइक दिस प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या क्या सर्कमस्टांसिस बने हुए हैं, तो सारी आपने प्रॉब्लम शेयर कर देनी है, डिस्कस कर देनी है, इसके अंदर लिख देनी है आपने। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, इसके अंदर आपने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लाइक आपने कोई बहुत हायर वर्ड्स यूज़ करने हैं, बहुत टफ वर्ड यूज़ करने हैं, नहीं। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज के अंदर भी आप वर्ड्स को यूज़ करें तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगनी चाहिए। बस उस लाइन का, सेंटेंस का मतलब बनना चाहिए। तो अब बात करते हैं एंड पे आ जाते हैं। तो एंड के अंदर आपने जो लाइन लिखनी है ये भी सेम लाइन आपने हर लेटर टू एडिटर के अंदर लिखनी है। लाइन क्या है जी, इट वुड बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसल्टेंट अथॉरिटी विल सी द डेप्थ ऑफ द मैटर एंड मेजर्स विल बी अडॉप्टेड। तो मैं चाहता हूँ भी आप ये अगर न्यूज़पेपर में पब्लिश करेंगे तो जो कंसर्न अथॉरिटी है वो इस मुद्दे पर गौर करेगी और जो रेक्टिफाई और जो करेक्टिव मेजर्स हैं वो लिए जाएं। सो इसी के साथ जो है आपका लेटर का जो मेन कंटेंट है वो खत्म होगा। एंड में आपने क्या लिखना है, यूअर सिंसियरली, यूअर ट्रूली, यूअर फेथफुली, तो ऑबिडेंटली नहीं लिखना आपने। उसके बाद जो नाम आपको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर वही सेम नेम आपने लिख देना है। सो इसी के साथ आपका बड़ा ही सिंपल से वे से आपका लेटर टू एडिटर फिनिश होता है, कंप्लीट होता है।
सो ये तो हो गया आपका लेटर टू एडिटर। अगर आपने किसी और फॉर्मर सेक्टर के अंदर लेटर भेजना है देन आपने दो लाइनें और याद कर लेनी है, दैट इज ऑन द बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ माई कॉलोनी। आप किसी कॉलोनी के अंदर है, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है, देन आपने लिखना है ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिडेंट ऑफ माई कॉलोनी आई वुड लाइक टू ड्रॉ अटेंशन ऑफ योर्स। मैं अपनी कॉलोनी के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके प्रति आपकी अटेंशन चाहता हूँ। सो ये तो हो जाएगा आप जो है फर्स्ट टेंजा के अंदर। तो लास्ट टेंजा के अंदर आपने क्या लिखना है, आई होप दैट यू विल टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। मैं उम्मीद करता हूं दैट आप एक सही एप्रोप्रिएट एक्शन लें। सो इसी के साथ आपका लेटर जो है एंड हो जाएगा। तो आपने जो लेटर के बीच में लिखना है दैट इज जो आपकी नॉर्मल सेंस के अंदर जो प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चंस में दिए गई होंगी तो आपने वो लिख देनी है। लाइक हमारी कॉलोनी के अंदर ईव टीचिंग हो रही है, सो आप पुलिस को जो है वहां पर लगाएं। और अगर आपने फॉर्मल सेक्टर के अलावा जो किसी कंसर्न अथॉरिटी को नहीं भेजना बट जनरल पब्लिक को अवेयर करना है तो बाकी सारा फॉर्मेट आपका सेम रहेगा, बस एक चीज़ जो है वो चेंज होगी, दैट इज़ जो आप यहाँ पर कंसर्न अथॉरिटी है वहाँ पर आप लिख देंगे जनरल पब्लिक, बाकी सारा लेटर आपका सेम रहेगा। सो बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मेट है आपका। सो मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया, अभी आपने लेटर्स की प्रैक्टिस करनी है, उन्हें रीड आउट करना है, देन आपने लिखना है। जितना आप लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे आप उतने ही परफेक्शन में आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स आप स्कोर करेंगे। होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।